आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। गणेश चतुर्थी के दिन इस यात्रा की शुरुआत होगी। जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जोरदार हमला बोलेगी। इसके लिए कांग्रेस के आरोप पत्र में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को जोर शोर से जनता के बीच रखा जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस जनता के सामने अपने 11 वचनों को भी रखेगी। राजधानी भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसकी जानकारी दी। और बर्बादी के खिलाफ जन आक्रोश, भारत मां के ये सरफरोश, मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे ये सरफरोश पूरे जोश से जन आक्रोश को आवाज देने। गणेश चतुर्थी के दिन 19 जुलाई से 11,400 किलोमीटर की इस यात्रा पर 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन से 11,400 किलोमीटर की इस जन आक्रोश यात्रा पर कूच कर रहे हैं। 18 सालों की प्रदेश की बर्बादी और बेहाली का जनता में शिवराज सरकार के खिलाफ जो असंतोष है वो अब जन आक्रोश में तब्दील हो गया है। समूचे मध्य प्रदेश में चारों ओर भयंकर अराजकता, अपराध, भय, भ्रष्टाचार और लूट की खुली छूट है। आदिवासी, किसान, दलित, बेटियां, बच्चे, पिछड़े, नौजवान सबकी जबान पर अब एक ही बात है, शिवराज हटाओ, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। आज मध्य प्रदेश के कोने कोने में जन आक्रोश का यह स्वर सुनाई देता है। बस जनता की इसी आवाज को सुनकर हम जन आक्रोश यात्रा का यह आगाज कर रहे हैं। इस यात्रा में 11,400 किलोमीटर में 7 यात्राएं निकलेंगी, जिनका नेतृत्व माननीय गोविंद सिंह जी 1600 किलोमीटर, माननीय अरुण यादव जी 1700 किलोमीटर, कमलेश्वर पटेल जी 1900 किलोमीटर, अजय सिंह राहुल जी 1400 किलोमीटर, माननीय सुरेश पचौरी जी 1400 किलोमीटर, कांतिलाल भूरिया जी 1700 किलोमीटर और जीतू पटवारी जी 1700 किलोमीटर, और साथ में कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता, सहयोगी और नेतागण होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश की जनता में भयंकर जन आक्रोश क्यों? वहीं कांग्रेस के सीएम फेस के सवाल पर सुरजेवाला ने कमलनाथ का नाम लिए बिना उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस के सीएम फेस यहां बैठे हैं। आपके वाहनों के लिए साधुवाद, और आपको यहां नजर नहीं आते क्या? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला करते हुए कमलनाथ ने कहा कि अब बीजेपी का मूल चेहरा खो गया है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी बनावटी, दिखावटी, मिलावटी और सजावटी हो गई है। कमलनाथ ने सनातन धर्म विवाद पर बीजेपी को घेरा। कमलनाथ ने कहा कि सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझना चाहिए। बीजेपी का प्रयास जनता का ध्यान भटकाना है। आज बीजेपी की कोशिश है कि एजेंडा बदल दो। का मूल चेहरा, एक मूल चेहरा है वो खो गया है। अब 4 नए चेहरे हैं, भाजपा के 4 नए चेहरे हैं, बनावटी भाजपा, दिखावटी भाजपा, मिलावटी भाजपा और सजावटी भाजपा। ये इनके अब चेहरा है, ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। ये सनातन धर्म की बात करी जाए, भारत सनातन धर्म का देश है और सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझने की बात है। और जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान मोड़ना। अब सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ, आपको याद है 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे ध्यान मोड़ो। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कैसे एजेंडा को बदल दो, चर्चा को बदल दो, लोगों का ध्यान मोड़ दो। ये मैंने अभी कही थी बात।
जैसे कि इन्होंने ठेका लिया हुआ है धर्म का, इन्होंने एजेंसी ली हुई है। मैंने अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम मेरे छिंदवाड़ा में हुआ, इनके पेट में दर्द होने लग जाता। हम मंदिर जाते हैं अपनी भावनाओं से जाते हैं, हम मंदिर धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते और लाना भी नहीं चाहिए। पर साफ बात यह है, जनता को समझना है और खास करके आप लोगों को समझना है। ईएमएस टीवी के लिए राम पवार की रिपोर्ट।